अच्छा मैं आपको एक जानकारी दे दूं, फिर आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। आप एक मिनट ये समझ लीजिए कि डायबिटीज क्या है, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। डायबिटीज माने क्या, किस रोग को डायबिटीज कहते हैं। हमारे शरीर में हम जो कुछ भी खाते हैं, मैंने आपको कल भी कहा था परसों भी कहा था, जो कुछ भी खाते हैं इसमें जो मीठा तत्व है जिसको हम शुगर कहते हैं, अंग्रेजी में कई बार उसको ग्लूकोज कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं, ये शुगर के अलग अलग नाम हैं। तो भोजन के अंदर ये जो कुछ भी है ये शरीर को सबसे जल्दी और सबसे आसानी से ऊर्जा देने वाला तत्व है। आपने जो कुछ भी खाया शरीर उसको पचाएगा, और ये जो कुछ भी पचा हुआ तत्व है ये हमारे रक्त में जाएगा। कुछ भी आप खाएंगे शरीर उसका पाचन करेगा, पाचन करने के बाद वो आपके रक्त में जाएगा। रक्त के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम कोशिकाएं कह सकते हैं। तो ये जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती है रक्त के अंदर, ब्लड सेल्स जिनको ज्यादा अच्छे शब्दों में कहें रक्त कोशिका, इन ब्लड सेल्स की कुछ इस तरह की बनावट होती है जैसे आपके घर का दरवाजा। आपके घर में एक दरवाजा होता है, अगर ये दरवाजा बंद है तो आप अंदर घर में प्रवेश नहीं कर सकते। आप पहले दरवाजे पे कॉल बेल बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, कोई दरवाजा खुलेगा फिर अंदर आप प्रवेश करेंगे। तो हमारे रक्त के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो ऐसे ही दरवाजे जैसे होती है। सामान्य रूप से रक्त कोशिकाओं का दरवाजा ऐसे बंद रहता है, रक्त कोशिकाओं का दरवाजा इस तरह से बंद रहता है। अब ये जो हमने कुछ खाया है, खाने के अंदर जो कुछ भी मीठा तत्व है जिसको आप ग्लूकोज कहिए या एनर्जी कहिए, ये रक्त के अंदर आता है और कोशिकाओं के अंदर आने के लिए ये दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। इस मीठे तत्व को रक्त कोशिका के अंदर लाने के लिए एक कैरियर होता है। कैरियर माने वाहक, जैसे घोड़ा है, घोड़े पर बैठा हुआ घुड़सवार है, तो घोड़ा कैरियर है, घुड़सवार अंदर जाने वाला व्यक्ति, तो एक कैरियर होता है, उसी कैरियर का नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन हमारे पेट में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसको पैनक्रियास कहते हैं, वहां उत्पन्न होता है। इंसुलिन का काम क्या है कि आपने जो कुछ भी भोजन में खाया है उसमें जो ऊर्जा तत्व है सबसे आसानी से घुलने वाला, जैसे ग्लूकोज या सुक्रोज या फ्रक्टोज या शुगर कहिए, इसको इंसुलिन अपने ऊपर बिठा के दरवाजे पर लेके आता है, ब्लड सेल के दरवाजे पर, और इंसुलिन दरवाजे की घंटी बजाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसका जो शुगर तत्व है वो इंसुलिन के साथ अंदर आ जाता है। अब जब शुगर तत्व इंसुलिन के ऊपर बैठकर अंदर आ गया रक्त कोशिका में, तो ये स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको इंसुलिन रक्त के अंदर कैरियर के रूप में काम करेगा और अंदर उसकी एनर्जी पहुंचाता रहेगा। अगर किसी को डायबिटीज है तो क्या होता है, जिसको डायबिटीज है उसका जो इंसुलिन है वो अपने ऊपर सुक्रोज या ग्लूकोज या फ्रक्टोज को लेकर दरवाजे तक तो आता है लेकिन घंटी नहीं बजाता, कॉल बेल नहीं बजाता, आता है फिर वापस चला जाता, आता है फिर वापस चला जाता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इंसुलिन के ऊपर बैठा हुआ जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है या शुगर है, वो ब्लड में ही घूमता रहता है, रक्त में ही घूमता रहता है, अंदर नहीं जाता रक्त कोशिकाओं। तो आप जब भी रक्त का परीक्षण कराते हैं तो उसमें शुगर निकल आती है, क्योंकि वो शुगर इंसुलिन के ऊपर बैठी तो हुई है लेकिन वो अंदर नहीं जा रही है कोशिकाओं में, और इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज का सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर में बनने वाली इंसुलिन आपके शरीर के भोजन में से निकलने वाले शर्करा तत्व को अंदर लेके नहीं जा रही है।